ये जो बेसिक टैग है हेडिंग टैग हुआ, हेडिंग टैग छह हो गया कि मतलब 1 2 3 4 कुछ ये डॉट नहीं नहीं वो ऐसे नहीं है, वो डॉट नहीं है। तो यहाँ पे जो भी जैसे कि अगर डॉट मैंने दे दिया ना कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एच हेडिंग टैग लिख रखा है हेडिंग टैग ये, तो हमारा जो प्रिंट होगा ना वो इस तरह से प्रिंट होगा। प्रिंट कैसा होगा? एच ए डी आई एन जी हेडिंग टैग ये प्रिंट करेगा, और उससे पहले हमने तीन डॉट लगा रखा है, ये तीन डॉट भी प्रिंट कर देगा। हाँ जो भी उस पर डाला हुआ है वो वापस शो कर देगा, उसे उससे कोई टेंशन नहीं। उसी अगर इसमें भी कर देते हैं तो इसका भी साइज चेंज हो जाएगा, एच वन बड़ा रहेगा, एच टू भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, वैसे घटते चला जाएगा, एच सिक्स में सबसे छोटा होगा। ठीक है, और ये छः हेडिंग टैग हो गया। छः हेडिंग टैग के अलावा ये तो हो गया ना कंप्लीट, और भी टैग्स हैं, जैसे कि ये तो हमारा हो गया हेडिंग। ठीक है, अब हेडिंग में हमें समझ गया, अब दूसरा टैग समझते हैं। अगर बॉडी का जो हमारा पार्ट है वो मैं चाहता हूँ कि कहीं पे बोल रहे हैं, कहीं पे टाइलिक रहे हैं, ऐसा होता है ना, बहुत सारा साइज होता है जैसे लिखा हुआ है कि जैसे रहता है माय नेम रहता है, ये सिंपल रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी ए बी सी डी ए जो भी नाम होता है वो नाम क्या होता है, थोड़ा सा बोल्ड रहता है, स्ट्रांग रहता है, वो उस तरह का दिखता है। हाँ, तो ये जो होता है इसके लिए क्या टैग, जैसे ये मेरे को स्ट्रांग करना है, ये स्ट्रांग करना है दूसरे से, तो उसके लिए क्या टैग यूज होगा? ये तो पूरा मिट गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये स्ट्रांग दिख रहा है ना, स्ट्रांग दिख रहा है, तो इसे स्ट्रांग करने के लिए पहला टैग जो है स्ट्रांग ही ले लीजिए, इसके आर ओ एन जी स्ट्रांग, और इसमें अपना नाम लिख दीजिए, ए टू जेड आपका जो भी नाम है, ये स्ट्रांग। हाँ ये हो गया, एक तो ये हो गया स्ट्रांग होगा, दूसरा इसके अलावा भी कुछ हो सकता है स्ट्रांग को, स्ट्रांग के अलावा और उसको क्या बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, अभी बोला था ना, हाँ बोल्ड, हाँ इटैलिक, तो पहले बोल्ड कर रहे हैं, पहले बोल्ड कर लेते हैं, ये बी टैग लगा दिया बोल्ड, हाँ ए टू जेड अपन ने डाल दिया, ठीक है, डी क्लोज हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है जिसको मैं चाहूँ इटैलिक हो जाए, ठीक है, नहीं आई आई सी ये हो गया, ठीक है, ये बोल्ड इटैलिक हो गया, स्ट्रांग हो गया, और कुछ करना है, कलर करना है, इसको कलर करना है, वो बात की चीज़ वो सीएसएस का चीज़ है, उसमें कलर हो गया, उसमें वो सीएसएस में मतलब सीएसएस में डिजाइनिंग का कर दिया, ए टू जेड को मतलब या तो हम लोग बोल्ड कर सकते हैं इटैलिक कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने स्ट्रांग डाला तो उसका भी जो अपने को विजिबिलिटी दिखता है वो भी बोल्ड का ही दिखता है, जैसे बी से डाल रहे तो क्यों पता है कि बोल्ड अपन ने किया है, वैसे स्ट्रांग जो हम लोग यूज करते हैं वो भी बोल्ड ही लगभग होता है। ठीक है, उसी तरह जैसे इटैलिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, ठीक, वो इटैलिक हो गया, और कुछ जैसे उसका बोल्ड है, बोल्ड क्या है कि एग्जांपल इसको बता दिए कि कैसे क्या आगे होगा, तो बोल्ड तो एग्जांपल तो बताया हुआ है ना, जैसे कि बोल्ड ये अपन ने किया, और फिर से मैं ले लेता हूँ आई एम अ बीटेक बी एक स्टूडेंट, ये बोल्ड, तो बोल्ड मैंने स्टार्ट किया है, क्लोज किया है, और बोल्ड के बीच में जितना भी मैंने लिखा है जो कुछ भी मैंने डाल रखा है वो कुछ भी हो सकता है, वो कैसा शो होगा, बोल्ड शो होगा। ठीक है, हाँ अब मैं आई एम ए को हटा के यहाँ से बोल्ड स्टार्ट करता हूँ, आई एम अ बीटेक स्टूडेंट, अब क्या होगा, बीटेक स्टूडेंट बोल्ड होगा, और ये जो नॉर्मल जैसा डिस्प्ले होता है बैकवर्ड वैसा ही होगा। ठीक है, अब बीटेक को भी हटा दूँ, स्टूडेंट को बोल्ड, हाँ बीटेक भी मैंने हटा दिया, स्टूडेंट को मैंने बोल्ड कर दिया, अब स्टूडेंट से बोल्ड होगा, बस वैसे ही हो गया बोल्ड, तो वो भी मैं यहाँ पे वही मैंने किया है ना, वही मैंने किया है यहाँ पे भी, बस जैसे कि यहाँ पे आप अपन लोग क्या यूज कर रहे थे, माई नेम आई नेम मैंने कर दिया था,
माय नेम हम लोग लिख रहे थे, माय नेम इज जो भी है वो मैंने उसको बड़ा कर इसको बड़ा किया था, एक जेड को बड़ा किया था, हाँ तो वही मैंने वहाँ पे भी किया था, यहाँ पे किया, ऐसे हो गया, तीन हो गया, बोल्ड स्ट्रॉन्ग इटैलिक नहीं, इटैलिक